भारतीय जनता पार्टी में बच चुका है बगावत का बिगुल। हर तरफ एक ही बात, कार्यकर्ताओं का विरोध। और कार्यकर्ताओं का कहना है कि कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली और कार्यकर्ताओं की कर्मठता के आधार पर टिकट वितरण नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में बड़ा हुआ। प्रदेश कार्यालय में धरना दे रहे हैं कुछ कार्यकर्ता और साथ ही साथ आत्मदाह की भी धमकी दे रहे हैं। कार्यकर्ता से लेकर कार्यनेत्री भी इस धरने प्रदर्शन में प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं। हमारे आशुतोष टंडन मेरे विधायक हैं, लेकिन उनके हाथ मुंह ऐसे बांध दिए गए, डॉक्टर दिनेश शर्मा को ऐसे चुप करा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कारण मैं बड़ा हुआ हूँ, और सम्मान और निष्ठा की यदि हत्या होती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में अपने सम्मान की हत्या के परिणाम में अपने जीवन को भी समाप्त करने की कसम खाता हूं। सभी की छाती की बहन जी सब लोग करते हैं, आप चुनाव मैदान में आइए। मैंने पार्टी से टिकट मांगने के लिए अपना बायोडाटा दिया। यहाँ के सभी लमसम केंद्रीय नेता तक सभी मुझे जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं। हमें गोपाल भैया हमारे आशुतोष टंडन मेरे विधायक हैं, लेकिन उनके हाथ मुंह ऐसे बांध दिए गए, डॉक्टर दिनेश शर्मा मुंह बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, ये सवाल है। क्या कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी? क्या कार्यकर्ता इस तरह आहत होंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार से टिकट वितरण का ये कार्यक्रम चल रहा है, उस पर ये सवाल खड़ा होता है कि कार्यकर्ता आखिर कहाँ जाए। ये सवाल लगभग लगभग कार्यकर्ताओं की तरफ से है भाजपा के। ये भी सुनिए एक बात, ऐसे चुप करा दिया जाता है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही लखनऊ के करता धरता रहता है। राजनाथ सिंह के चल रहे राजनाथ सिंह पर आरोप, टिकट वितरण पर राजनाथ सिंह पर भी कार्यकर्ताओं का आरोप, कार्यनेत्री का आरोप। ये गंभीर सवाल है, लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा और कब तक चलता है? सुनिए सर, नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? टिकट नहीं मिली, अभी हम यहाँ पर धरने पर हैं, और उसके बाद हमारे क्षेत्र की जैसी आवाज होगी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय पक्का। इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के चिंतन पर स्थापित हुई, और दीनदयाल जी का चिंतन कहता है सर्वतो भावे समर्पण, से समर्पित होकर के पार्टी के लिए संगठन के लिए कार्य करना है। मैंने 30 वर्ष तक इस पार्टी के अंदर की लगा करके कार्य किया, नेतृत्व से जो भी आंदोलन 8 दिन से भारतीय जनता पार्टी के कार्य में पड़ा हुआ हूँ। आदरणीय बंसल जी से मैंने निवेदन किया, जी से निवेदन किया, अपना बायोडाटा दिया। आदरणीय बुंदेलखंड अध्यक्ष जी के आवास में 48 पेज का बायोडाटा दिया। जिन संगठनों बायोडाटा दिया, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलेगी तो आप क्या करें? यदि मुझे टिकट नहीं मिलता है तो ये टिकट से दुखी होकर के नहीं, इस बिंदु से आहत होकर कि यह मैं हूँ अथवा मेरी एक बहन है, वह हो अथवा कोई भी कार्यकर्ता हो, टिकट की बात नहीं है, बात है कार्यकर्ता के सम्मान की, बात है तप की, बात है साधना की, बात है समर्पण की, बात है निष्ठा की। और सम्मान और निष्ठा की यदि हत्या होती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में अपने सम्मान की हत्या के परिणाम में अपने जीवन को भी समाप्त करने की प्रथमता आदेश मांगूंगा आदरणीय पांडे जी से। और यदि वह नहीं देते हैं तो मैंने विगत 15 दिन पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को 48 पेज का बायोडाटा जरिए डाक भेजा है, उसकी मेरे पास स्लिप है, नेट से प्राप्त की, उसमें मैंने स्वीकृति मांगी है, उसको आधार बना करके मैं आत्मदाय कर दूंगा। इसलिए नहीं, मैं गुलाम नहीं हूँ, पद का गुलाम नहीं हूँ। पद का गुलाम होता तो 30 वर्ष तक कार्य किया, कोई बता दे कि मैंने कभी हाथ फैलाए हो। मैंने काम करने में निष्ठा रखी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में जिस उद्देश्य के लिए वांछित है उस उद्देश्य पर मैंने पार्टी को पहुंचाया। कुल मिलाकर बात तो ये सम्मान की हत्या है, और सम्मान की हत्या होती है तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। आंखों में आंसू और बात टिकट की, ये समाज सेवी है
या कार्यकर्ता प्रमाणित, ये बात तो आप लोग तय करेंगे, लेकिन टिकट न मिलने पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये कारनामा इस समय चल रहा है। कार्यकर्ता धरने पर और आत्मदाह का की कोशिश और प्रयत्न और बयान, ये सब कुछ मिलाकर ये मालूम पड़ता है कि टिकट इतना महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन का। दूसरी बात एक बात और, टिकट वितरण पर भी सवाल उठ रहा है, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उसके लिए।